मऊ वन विधायक प्रदीप पटेल ने अपने पिता की मौत के बाद उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद मुखर्जी। रीवा के मेडिकल कॉलेज में आज एक शरीर को दान किया गया। ये शरीर था मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल के पिता का। माना जा सकता है जब इस तरीके के बड़े और चर्चित लोग इस तरीके का काम करते हैं तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। समाज के लोग आगे बढ़कर इस तरीके का काम करते हैं जिसकी वजह से चिकित्सा क्षेत्र में नई क्रांति आती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रीवा जिले के मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने पिता की मौत के बाद पिता के शरीर को उनकी इच्छा अनुरूप मेडिकल कॉलेज रीवा को सौंपा। मेडिकल कॉलेज के छात्र अब प्रदीप पटेल विधायक मऊगंज के पिता के शरीर के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। विधायक के इस फैसले की जमकर हो रही सराहना। माना जा रहा है और लोग भी इससे प्रभावित होकर देह दान करेंगे। रीवा के मऊगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल के पिता छोटे लाल पटेल, जिनका इलाज भोपाल में कराया जा रहा था लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और अंततः लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को उनका निधन हो गया। विधायक प्रदीप पटेल के पिता की इच्छा थी उनकी मौत के बाद उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया जाए। आज पिता की इच्छा अनुसार उनका शव लेकर विधायक प्रदीप पटेल रीवा मेडिकल कॉलेज पहुँचे और छात्रों की पढ़ाई के लिए उनके शव का मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। विधायक प्रदीप पटेल के पिता के देवधाम के समय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राम खिलावन पटेल, सिरमौर विधायक देवराज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह सहित मेडिकल कॉलेज का स्टाफ वहां पर मौजूद रहा। विधायक प्रदीप पटेल ने बताया उनके पिता की इच्छा थी उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज रीवा को दान कर दिया जाए, जहाँ छात्र उनके शरीर से अध्ययन कर सकें जो कभी न कभी किसी न किसी के जीवन के बचाने के काम आएगा। एनाटॉमी विभाग अध्यक्ष मेघना मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया अब तक 240 लोगों ने मेडिकल कॉलेज में शव दान करने के आवेदन दिए हैं, जिसमें अभी तक 1900 मेडिकल कॉलेज को मिल चुके हैं। उन्होंने कहा छात्रों को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव शरीर की आवश्यकता होती है। समय समय पर शरीर दान में मिलते हैं जिसे मेडिकल कॉलेज के छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। हमने विभागाध्यक्ष और विधायक प्रदीप पटेल से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अपने यहाँ मेडिकल की पढ़ाई के लिए और कैसे क्या इसकी प्रोसेस रहती है? अभी तक रीवा मेडिकल कॉलेज में 240 लोगों ने अपने फॉर्म भर के देहदान की इच्छा जाहिर की है और अभी तक टोटल जब से हमने देहदान लेना शुरू किया है ये 19वें व्यक्ति हैं जिन्होंने देहदान किया है और ये स्वैच्छिक देहदान है, अपनी इच्छा से लोग देहदान करते हैं। देहदान की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, तो आपने सुना होगा ऋषि दधीचि का नाम सुना होगा जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था। ये आधुनिक दधीचि हैं जिन्होंने अपना शरीर दान कर दिया सिर्फ इसलिए कि अज्ञानता मिट सके, स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सकें। पिछले 4 सालों से जो भी डिसेक्शन हो रहा है, डिसेक्शन जितने भी कर रहे हैं हम, वो सभी इन्हीं देहदान की जो शरीर हमें मिल रहे हैं इन्हीं पे आधारित हो रहा है, हमें और भी कहीं से भी कोई नहीं मिल रहे हैं। और जो नया मेडिकल कॉलेज सतना का खुल रहा है वहाँ भी हमने 1-2 बॉडीज़ देने के लिए प्रण किया कि भाई हम दे देंगे वहाँ का कॉलेज जो स्टार्ट होगा। तो ये तो एक बहुत पुनीत कार्य है। और क्या है कि जब गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ जन ऐसा डिसीजन लेते हैं और लोक नायकों द्वारा इस तरीके का, जन नायकों द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है तो उसका निश्चित तौर पे जनता पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। वो इस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं और फिर इस तरफ वो भी अग्रसित होते हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी जो ये कदम है देहदान का, श्री छोटे लाल पटेल जी का, उनके परिवार का, ये निश्चित ही बहुत सराहनीय योगदान है और सराहनीय कदम है चिकित्सा शिक्षा की ओर। काफ़ी 4-5 महीने से अस्वस्थ थे और उस बीच कई बार उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हमारी आँख सही है, वो बिना चश्मे के पढ़ते थे और अभी ब्रदर की
घटना के बाद उन्होंने किडनी दान देने की, आँख दान देने की बात कही थी, मगर एम्स में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद बताया कि ये प्रत्यारोपण हो नहीं सकता और इसलिए फिर ये देहदान का उनका ये कार्यक्रम हो। उनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति करने के बाद मुझे अच्छा लगा और कि उनका ये हमारे रीवा ज़िले में ऐसा लोग जो बाहर से आके पढ़ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं यहाँ के पढ़ रहे हैं, उनको इसका शरीर मृत्यु के बाद भी काम आए, ऐसी उनकी इच्छा थी, उस इच्छा की पूर्ति करके मुझे अच्छा लगा।